कस्टम रोम के लिए बेस्ट फोन कौन सा होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर मेरे से लोग यहाँ पर पूछते हैं। तो मैंने सोचा हर एक ब्रांड को कंपेयर करता हूँ, देखते हैं कि किस फोन की कस्टम रोम्स के लिए स्ट्रेटेजी बेस्ट है, यानी कौन सा फोन कस्टम रोम्स के हिसाब से बेस्ट है और कौन सा वर्स्ट कैटेगरी में है। और फिर ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर ब्रांड्स को प्रॉब्लम क्या है कस्टम रोम्स वालों से। तो सबसे पहले बात करते हैं जिस फोन के लिए कस्टम रोम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो है Xiaomi। अब Xiaomi के मेन रीजन है, Xiaomi के फोन का हार्डवेयर सही होता है लेकिन कई लोगों को उनका सॉफ्टवेयर इतना पसंद नहीं आता, इसलिए काफी सारे Xiaomi के यूजर MIUI को हटा के कस्टम रोम्स को डालना पसंद करते हैं, क्योंकि MIUI के अंदर कई बार एड्स आते हैं, ब्लोटवेयर आता है या बग्स की दिक्कत है या फिर अपडेट टाइम पर नहीं आता, लेकिन कस्टम रोम से एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, बहुत ही एक अच्छी चीज है। लेकिन Xiaomi की पॉलिसी ऐसी कि कस्टम रोम्स वगैरह मिलते हैं लेकिन उसके लिए जो बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है ना, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और उसके अंदर भी टाइम लग जाता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा Xiaomi फोन है तो आपको मल्टीपल आईडीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक आईडी 30 दिन में सिर्फ एक फोन को ही आप अनलॉक कर सकते हो उसका बूट लोडर। तो इस तरीके की दिक्कतें Xiaomi के साथ हैं। इसके साथ ही देखा तो Xiaomi के पुराने फोन्स के लिए कस्टम रोम्स अवेलेबल है लेकिन जो नए फोन्स हुए हैं लॉन्च यहाँ पे उनके लिए उतना अच्छा सपोर्ट अभी भी नहीं है, जबकि कुछ साल पहले तक ऐसी कहानी नहीं थी। Xiaomi काफी सपोर्टिव थी कस्टम रोम्स के लिए और अपने फोन के अंदर अलाउ करती थी बूट लोडर अनलॉक करना, कस्टम रोम्स फ्लैश करना और आसान तरीके से लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते थे। लेकिन अभी देखा जाए तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो गई है Xiaomi। Xiaomi को ऐसा लग रहा है कि लोग MIUI छोड़ के कस्टम रोम्स के पीछे ना भाग जाए, इसलिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे इन्होंने ज्यादा कर दिया। ऐसी बात करें Samsung के ऊपर तो देखो Samsung के बारे में बोलना चाहूंगा कि Samsung फोन्स यहाँ पे अच्छा बनाती है लेकिन कभी से वो कस्टम रोम्स के सपोर्ट में नहीं थी। अगर आपके पास कोई फोन है Samsung का जिसके अंदर मान लीजिए Exynos प्रोसेसर है, कस्टम रोम्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। इसके साथ ही यहाँ पे जब कस्टम रोम का यूज करके आप फोन को यूज करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे फीचर्स से गवाना पड़ सकता है, जैसे कि नॉक सिक्योरिटी वगैरह ये सारी चीजें। ऊपर से देखा तो Samsung के फोन्स को कस्टम रोम्स के लिए इतना रिकमेंड किया भी नहीं जाता, ये एक चीज है। तो Samsung देखा जाए तो अपने MIUI अपने हार्डवेयर के कारण अच्छा कर रही है लेकिन कस्टम रोम वाली चीज के अंदर Samsung अभी भी काफी पीछे है और बहुत ही लिमिटेड डेवलपमेंट Samsung के लिए देखने को मिलती है। और काफी सारे Samsung के फोन ऐसे जिसके लिए आपको कुछ भी कस्टम रोम अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में। लेकिन वही बात करें कौन से फोन अब अच्छे कस्टम रोम के लिए, देखो गूगल के फोन यहाँ पे काफी अच्छे रहते हैं। अगर मैं पिक्सल फोन्स के बारे में बात करूं, ऑफिशियली उसे गूगल की तरफ से अपडेट सबसे पहले मिलता है और उसके अंदर अगर आप बीटा वर्जन डेवलपर प्रीव्यू कुछ भी डालना चाहे तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जिसके कारण आप एंड्रॉइड के लेटेस्ट वर्जन का वजह सबसे पहले ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कस्टम रोम्स की भी लिस्ट काफी ज्यादा अच्छी है गूगल के अंदर, जहां पे आप बहुत सारे फोन्स के अंदर अलग अलग टाइप के कस्टम रोम्स को ट्राई कर सकते हैं, उनके अंदर नई नई चीजें कर सकते हैं। और गूगल ने जैसे बूट लोडर अनलॉक करना, रोम फ्लैश करना, ये काफी सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर रखी। तो यार गूगल की कहानी है। लेकिन वही बात करूं मैं वन प्लस की, क्योंकि एक जमाने में अगर आप लोगों को नहीं पता तो वन प्लस के जो फोन्स थे वो कस्टम रोम्स के लिए बेस्ट माने जाते थे, क्योंकि उनको बूट लोडर अनलॉक करना आसान था, कर्नल सोर्सेज अवेलेबल थे, उसके साथ ही अंदर बहुत सारी कस्टम रोम्स थी और बहुत मजा आता था। लेकिन ये बात मैं कर रहा हूं आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले की, जब कस्टम रोम्स और वन प्लस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन जब वन प्लस ओप्पो के साथ हो गया, कलर ओएस ऑक्सीजन ओएस एक जैसे हो गए, तब से वन प्लस की कहानी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब मैंने चेक किया अभी तो रिसेंटली काफी सारे वन प्लस के फोन ऐसे जिनके लिए कस्टम रोम्स अभी भी अवेलेबल नहीं है और वन प्लस एक ऐसी कंपनी बनकर रह गया कि काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव चीजें ले रहा है और कस्टम रोम्स के लिए जहां पहले बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करता था अब वो उतना एक्टिव नहीं है। मतलब कि पास में काफी अच्छा कर रहा था वन प्लस कस्टम रोम के हिसाब से, लेकिन अब कस्टम रोम के हिसाब से वन प्लस उतना ज्यादा सूटेबल नहीं है। हालांकि एक बात यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ कि जब वन प्लस से कार्ल पे यहाँ पे निकले और नथिंग उन्होंने शुरू करी तो नथिंग में वही डीएनए लेकर आए जो वन प्लस के कोर में था और उसके कारण आज के समय में नथिंग कंपनी के फोन कस्टम रोम्स के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। हाल ही में मैंने कस्टम रोम ट्राई करी थी नथिंग फोन वन में और एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। यहाँ पे कर्नल सोर्सेज अवेलेबल करवा रहे, बूट लोडर अनलॉक करना आसान है और आसान तरीके से मल्टीपल कस्टम रोम्स है। और इसका फायदा यहाँ पर यह कि नथिंग वालों को बहुत ज्यादा टाइम लगे एंड्रॉइड 13 का अपडेट लाने के लिए, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट जब उन्होंने अनाउंस भी नहीं किया तो उसके कई महीनों पहले से कस्टम रोम एंड्रॉइड 13 के साथ अवेलेबल थी। तो नथिंग वाले कस्टम रोम के साथ तो काफी अच्छा काम यहाँ पे कर रहा है। ये बात यहाँ पे काफी अच्छी लगी कि जिस चीज के लिए वन प्लस जाना चाहता था अब वो चीज उठ के नथिंग के अंदर आनी है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं ओप्पो की तो यार ओप्पो का कलर ओएस वाला सीन है, कस्टम रोम से वो हार्डली अवेलेबल है यहाँ पे ओप्पो के फोन्स के लिए। यहाँ पे रियलमी के साथ भी मैं बात बता सकता हूँ कि रियलमी के फोन्स के साथ भी कुछ साल पहले तक कस्टम रोम का सपोर्ट ठीक ठाक था पुराने फोन्स तक, नए फोन्स के साथ कस्टम रोम का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, कुछ ज्यादा डेवलपमेंट उसके अंदर है नहीं। और वीवो आईको को तो आप भूल ही जाओ, यहाँ पे आपको कस्टम रोम का कुछ भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा। तो यार ये पूरे बीबीके ग्रुप के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लग रही है कि यार कस्टम रोम्स को यार इतना ज्यादा पसंद क्यों नहीं करते। वही बात करूं कुछ दूसरी कंपनीज की, नोकिया और उसके भी पुराने फोन्स के साथ कस्टम रोम
का अच्छा सपोर्ट था, अभी नहीं है। मोटरोला के फोन भले ही स्टॉक एंड्रॉइड प्योर एंड्रॉइड जैसे हो, लेकिन कस्टम रोम्स के हिसाब से अब उतने ज्यादा सूटेबल नहीं रहे। तो देखा तो मार्केट में लगभग हर दूसरे ब्रांड की ये कहानी है, और इन्फिनिक्स टेक्नो जैसी कंपनी को तो मैं इंक्लूड करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता नहीं कस्टम रोम्स के लिए उनके फोन यहां लेता होगा। और कस्टम रोम के साथ में एक और चीज यहां पर आपको बता सकता हूं, ये काफी ज्यादा डिपेंड करती है प्रोसेसर के ऊपर भी। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक्सिनोस के लिए कुछ खास कस्टम रोम्स अवेलेबल नहीं है, मीडियाटेक के प्रोसेसर भी कस्टम रोम्स के लिए इतने ज्यादा सूटेबल नहीं होते। जो प्रोसेसर यहां पर सबसे बेस्ट होते वो होते क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के, और देखा जाए तो ज्यादातर जो फोन जिनके अंदर एक अच्छा कस्टम रोम का सपोर्ट है, मेजोरिटी के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो यार ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन बात अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में काफी सारी कंपनीज बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो गई है, और उसके पीछे एक रीजन यहां पर यह समझ में आता है कि कंपनियां नहीं चाहती कि लोग अपने फोन के अंदर छेड़खानी करें और उसके अंदर उन्हें कस्टम रोम डाल के उसे फ्लैश करें। क्योंकि सबसे पहली बात तो कस्टम रोम के साथ रिस्क होता है, और काफी सारे लोग कस्टम रोम फ्लैश करने के चक्कर में डिवाइस ब्रिक कर देते हैं, और इसका खर्चा कंपनी को उठाना पड़ता है लास्ट में, और कंपनी फ्री में फोन को रिप्लेस नहीं करना चाहती, इसलिए वो ऑलरेडी यहां पे अगेंस्ट है कस्टम रोम्स के। इसके साथ ही अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो कंपनी ये चाहती है कि उनका जो अंदर जो सॉफ्टवेयर वो लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो लोग वही यूज करें, वो कंपनी ये नहीं चाहती कि यहां पे लोग दूसरा सॉफ्टवेयर यहां पे यूज करें। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी बड़ी चाइनीज कंपनी का अगर नाम लेंगे या फोन उठाएंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर आपको उसके कुछ एप्लीकेशंस देखने को मिलती है, कुछ सर्विसेज होती है, और कुछ ब्लोटवेयर आपको देखने को मिलते हैं, और इन ब्लोटवेयर इन सर्विसेज से वो कहीं ना कहीं फोन बेचने के बाद भी पैसा बनाते हैं। यहां तक कि मैंने हाल ही में ये चीज भी देखी है कि मोबाइल फोन से मान लो मैं ब्लोटवेयर हटा दूं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा और ब्लोटवेयर वापस आ जाते हैं। ये एक चीज भी मैंने यहां पर देखी है जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है, कि एक बार अगर आपने ब्लोटवेयर दे दिया चलो ठीक है, लेकिन अपडेट देके आप दोबारा से ब्लोटवेयर इंक्रीज कर रहे हो, ये बात पूरी तरीके से गलत है। और शायद ये कंपनी का पूरा एक मोटिव होता है कि आगे भी हम पैसे बनाते रहे मोबाइल फोन बेचने के बाद भी, शायद इसीलिए इस चीज को भी पुश किया जाता है। ऊपर से बात किया तो काफी सारी कंपनी जो रहती है वो आपके डेटा को ट्रैक करती है लेती है, इंक्लूडिंग गूगल या एप्पल, किसी भी कंपनी के बारे में बात कर ले। और मान लीजिए अगर आपने कस्टम रोम वगैरह यहां पे फ्लैश करी, तो डेफिनेटली जो डेटा का एक्सेस आपका पहले था किसी भी कंपनी के पास, वो एक्सेस वहां से चले जाएगा, तो इससे भी कम ना कहीं कंपनी का लॉस है। तो यार ये कुछ ऐसी चीज है जिससे कंपनी और भी ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहती है लेकिन वो बना नहीं पा रही। इसके साथ ही बात यहां पर ये कि कंपनी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके सॉफ्टवेयर के साथ यहां पे टेंपर किया जाए और यूजर एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट देना चाहती है। और जब मैंने कंपनी से सवाल पूछा ना, तो एक आंसर ये था कि वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए करती है, वो ये नहीं चाहते कि यहां पे कोई लूप होल रह जाए और लोग अगर कस्टम रोम डाल रहे तो उनकी प्राइवेसी को यहां पे कोई खतरा हो। मान लो किसी का अगर फोन का बूट लोडर अनलॉक, अगर फोन चोरी हो जाता है तो कोई भी आदमी उसके अंदर इजिली कस्टम रोम वगैरह फ्लैश करके उसे चला सकता है, तो वहां इस टाइप के कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी उन्होंने यहां पर दिए थे। लेकिन मेरे को लगता है कि काफी सारी कंपनीज अब कस्टम रोम्स के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। अगर हम कुछ नई कंपनी नए स्टार्टअप्स के बारे में बात करें, वो बिल्कुल यहां पे तैयार होते हैं जैसे नथिंग वाले हैं, लेकिन ये देखना हो कि कब तक ये चीजें रहती है, क्योंकि शुरुआत में Xiaomi अच्छा करती थी, OnePlus के अंदर सपोर्ट था, Motorola के अंदर भी कस्टम रोम्स का बढ़िया सपोर्ट था, लेकिन आज के समय में रह गया कि कस्टम रोम की कम्युनिटी भी छोटी हो गई है, डेवलपर्स भी अब थोड़े से कम हो गए, और कस्टम रोम को फ्लैश करना पूरा प्रोसेस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला गया। तो कंपनीज के एटीट्यूड को देख के लग रहा है कि कस्टम रोम का फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट नहीं है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग क्या लगता है कि कस्टम रोम्स आगे फ्यूचर में इवॉल्व करेगी कि नहीं करेगी? और आप लोग ये भी बताएं कि आप लोग अपने फोन के अंदर कोई कस्टम रोम को यूज करते हैं कि नहीं करते? इस बात का जो आंसर है आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।